भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि गोरखपुर की जनता ने 1971 में जिस तरह से टीएन सिंह को उपचुनाव में सबक सिखाया, उसी तरह इस बार के चुनाव में सीएम योगी को फिर से सबक सिखाएगी। गोरखपुर की जनता ने चुनाव में जवाब देगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भीम आर्मी के चीफ एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने कहा, ये 10 मार्च को भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज की प्रेस वार्ता में पहुंचे। जैसा कि मैं यहाँ सदर 322 पे प्रत्याशी और आपके माध्यम से गोरखपुर के लोग अपने प्रत्याशी के विषय में जानना चाहते हैं, फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि अपनी बातों को उन तक पहुंचा दें। और अब मैं चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मुख्यमंत्री जी से नज़दीक, वो उत्तराखंड के हैं, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। हम पिछले 5 साल यहाँ लड़ते रहे और अब भी हम गोरखपुर लड़ने के लिए, क्योंकि हमने घोषणा की थी जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे हम लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले अयोध्या कहते रहे, फिर मथुरा, और उसके बाद रिवर्स गियर लगाया। मैंने पहली बार देखा कि रिवर्स भी फोर्थ गियर होता है, सीधे अयोध्या। और अयोध्या में भी बड़ा खेल किया है परिसीमन में, जो माइनॉरिटी का वोट, जो मन बनाया बैठा था कि मुख्यमंत्री को सबक सिखाना जिन्होंने अन्याय सहा है, उस वोट को डिवाइड कर दिया दूसरी विधानसभा में। इस परिसीमन पे भी दोबारा बड़ा काम होगा। जैसे गोरखपुर की जनता ने टीएन सिंह जी को सबक सिखाया 1971 में, जैसे गोरखपुर की जनता ने उपचुनाव में इनको सबक सिखाया, ऐसे ही इस बार के विधानसभा चुनाव में भी गोरखपुर की जनता मुख्यमंत्री जी को सबक सिखा के बताएगी कि ना तो गोरखपुर की जनता गुलाम है, वो लड़ने वाले को पसंद करती है, ना ही मुख्यमंत्री जी यहाँ के तानाशाह हिटलर है, ना ही मालिक। जनता जवाब देगी चुनाव में, चुनाव तैयार है, मैं लगातार यहाँ रहूँगा। तो हमारा मुद्दा रहेगा चुनाव में शिक्षा सभी के लिए फ्री, क्योंकि हम सिर्फ एक चुनाव पर, एक सीट पर नहीं लड़ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा मोर्चा लड़ रहा है। तो हमें हमारी सरकार बनने पे सबके लिए फ्री शिक्षा, कि कोई गरीब व्यक्ति पैसों की कमी कारण अपनी शिक्षा ना प्राप्त पूरी कर पाए, एकेडमिक, प्रोफेशनल और टेक्निकल सारी शिक्षा, और सबके लिए बेहतर उपचार के लिए फ्री इलाज, नौजवानों के लिए 20 लाख सरकारी रोजगार बैकलॉग भर के और नई नियुक्तियां सृजित करके, और 80 लाख प्राइवेट रोजगार, और सबके लिए टोल फ्री, एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, जो तमाम बुनियादी चीज़ें उन पर काम करेंगे, महिलाओं को घर पे रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। हम अपने संकल्प हैं और ये हम करके दिखाएंगे। अब मैं मीडिया के साथियों से कहूँगा कि उनके जो भी सवाल हैं वो रख सकते हैं। आप मेरा विश्वास कमज़ोर कर रहे हैं। हाँ, मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो इस प्रदेश का बेटा हूँ। मैं तो निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, और मैं आज भी याद दिलाता हूँ, मैं आदर्श मानता हूँ शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को। अगर वो अंग्रेजों से डर के सेफ जगह ढूंढते तो आज देश आज़ाद नहीं होता सर। तो हम लड़ेंगे नौजवानों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए और बुजुर्गों के सम्मान के लिए और एकता के लिए। हम बांटने के लिए नहीं लड़ेंगे। तो सेफ सीट तो यही बनेगी उनको अगर गोरखपुर की जनता से प्यार होता तो वो गोरखपुर की जनता कोरोना में मरता हुआ छोड़ के बिहार के इलेक्शन में और बंगाल के इलेक्शन में नहीं घूमते। हमें गोरखपुर की जनता से प्यार है, इसलिए हम गोरखपुर आए और हम गोरखपुर की जनता का दिल जीतेंगे, हमें भरोसा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इतिहास गवाह है कि यहाँ तो प्रधानमंत्री भी हारे हैं। हाँ, मैं माननीय काशीराम साहब को नेता मानता हूँ, उनके दिखाए रास्ते पर चलता हूँ और सही भी है, लेकिन मेरा लक्ष्य है मुख्यमंत्री जी को सदन में जाने से रोकने का और जीतने का है। मैं अगर स्टंटबाजी की बात होती तो मैं बहुत दिन पहले कह चुका था कि जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे, तो फिर ये बताइए मथुरा अयोध्या क्यों छोड़ा, ये फोर्थ गियर लगा के वापस क्यों आए गोरखपुर। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि गोरखपुर डूब जाता है 4 महीने के लिए जब बारिश आती है, और यही गोरखपुर है जिसमें विकास के दावे की जाती है। यहाँ बच्चियाँ नाव चलाती है, आप मीडिया के लोगों ने दिखाया कि नाव चला के जाती है स्कूल, ये है गोरखपुर का विकास। मैंने पहली बार देखा कोई भी पेशेंट अगर बीमार हो जाता है तो हायर सेंटर एम्स में रेफर होता है, लेकिन यहाँ अगर कोई बीमार होता है तो एम्स से जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो है उसको भेजा जाता है। ये है गोरखपुर का विकास। गोरखपुर का विकास ये है कि अपने चहीतों को मुख्यमंत्री जी ने सौंप दिया काम और उसका हर्जाना जनता को करती है। गोरखपुर में बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं, उपचुनाव आपको याद होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ बहुजन समाज का वोट ज़्यादा है, और अभी तो लोगों ने तैयार मन बनाया है
अभी तो मन बनाया, परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। संगठन हमारा बूथ पे मजबूत हो रहा है। आज हमारी मीटिंग है, अगले 5 दिन में हम दिखाएंगे कि हमसे बड़ा संगठन यहाँ बीजेपी भी नहीं होगा मजबूती से। मैं वो देखिए, ये लोकतंत्र है, हम बहुजन समाज का आंदोलन चलाते हैं उन लोगों का जो हाशिए पे लोग हैं, और हम तो वोट दे के बनाते हैं, जिनका कम वोट है उनको भी हमने बनाया है। अब जनता ये तय करके वोट दे गोरखपुर की, वो योग्यता देख के वोट दे। लगातार आरोप लगाया है पश्चिम में यूपी में कि आप दंगाई नेता माने जाते हैं, इमरान मसूद के आदमी माने जाते हैं, क्या इमरान मसूद के कहने पे आप गोरखपुर आए हैं? और साथ ही इमरान, ये इतना हल्का सवाल मीडिया के लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अगर मेरी जगह जेपी नड्डा जी यहाँ बैठे होते तो शायद आप ये सवाल नहीं करते। पहली बात, चलिए मैं कम्प्लीट कर दूँ। दूसरी बात, ये लोकतंत्र है, हमने तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इस आंदोलन में आगे बढ़ते देखा। जनता तय करती है कि नेता कौन होगा। क्या आप मुझे एक विश्वास के साथ बता सकते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या 2017 के मुख्यमंत्री की फेस के चेहरा थे बीजेपी के योगी आदित्यनाथ? नहीं ना, उनको बनाया जनता ने, वेंडर दिया था बीजेपी को, इसलिए कि उनकी जीवन में बदलाव होगा, और लड़े थे पिछड़े समाज के नाम पर, और हुआ क्या? ये उनकी कथनी करने का फर्क है, जनता जवाब देगी। और फिर एक और बात बता दूँ, निषाद समाज के लोगों को कहा था तो आपको आरक्षण देंगे, अभी रैली में जब गए निषाद समाज कह के आए कि वोट नहीं देंगे। यहाँ का निषाद समाज तैयार बैठा है अपने भाई को समर्थन देने के लिए, जब चुनाव परिणाम आएंगे आपको देखने को मिलेगा। चल जाते हैं गोरखपुर में रहते हैं जी, हार जाते हैं भाग लेंगे कि बराबर रहेंगे, बताइए। मैंने भागना सीखा ही नहीं, गोरखपुर में रहना होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने भागना सीखा नहीं। गोरखपुर की जनता आशीर्वाद देगी और नहीं भी देगी, गोरखपुर की जनता से प्यार है इसलिए गोरखपुर में, और रहेंगे गोरखपुर में, क्योंकि ये गोरखनाथ जी की धरती है ना, ये संतों महापुरुषों की धरती, रहेंगे यहाँ, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब मैं आजाद समाज पार्टी का जो मोर्चा है, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा, उसके लिए काम कर रहा हूँ। मैंने प्रयास किया था कि उनकी मदद लेके या उनकी मदद करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, लेकिन उसके बाद मेरी समझ में आया कि कोई भी आदमी, जब आप नए हैं और परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मैं समझता हूँ कि 12-17 उनकी सरकार रही, जनता ने इसलिए बदले क्योंकि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए थे। मैं उनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी नीतियाँ जो है, जो बहुजन विरोधी नीतियाँ है, जो नौजवान विरोधी नीतियाँ, मैं उनका विरोध हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि मेरी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, विचारधारा की लड़ाई, उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहूँ। नहीं, मैं दोबारा उसको ठीक कर देता हूँ। पहली अच्छी बात है कि यहाँ महिला जो पत्रकार हैं उनकी भागीदारी भी, आजकल पूर्व प्रधान देश ने इसको नकार दिया है। मैं आपसे बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा, और एक अपनी दिल की बात भी अपनी बहन से जरूर कहूँगा। पहली बात, मैंने उनसे कहा कि उनको दलितों का वोट चाहिए, वो आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा दलित अधिकारी कर्मचारी के, हमने खून के आंसू रोए, आज वो चुप्पी क्यों थामे हुए? पुरानी पेंशन का बड़ा वो कर रहे हैं, उनकी सरकार में क्यों नहीं दी उन्होंने पुरानी पेंशन? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चाहते हैं कि दलितों की स्वतंत्र लीडरशिप ना खड़ी हो, उसका कारण बताता हूँ। सोचे उनकी सरकार आ जाती है और मैं उसमें हिस्सेदार हूँ, तो जब कहीं दलितों पर अत्याचार होगा तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक स्वार्थ में चंद्रशेखर चुप रह जाएंगे? नहीं। किसी माइनॉरिटी के व्यक्ति पर अत्याचार होंगे तो राजनीतिक स्वार्थ में चंद्रशेखर चुप हो जाएंगे? नहीं। किसी बहन के साथ अन्याय होगा तो चंद्रशेखर चुप? नहीं। मैं उस अधिकारी कर्मचारी को भी वहीं खींच के लाऊंगा जहां उसकी सही जगह है, क्योंकि अगर किसी पर अन्याय होगा तो वहां अधिकारी कर्मचारी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, वो काम करेगा, जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। यहाँ महिला रात के 10 बजे के बाद नहीं निकल सकती, और मीडिया के लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप जातिवादी राजनीति करते हैं। मैं आप सिर्फ जानना चाहता हूँ, ये आज़ाद भारत है, कहते हैं कि जोड़ियाँ भगवान बनाते हैं, अगर कोई शोषित वंचित जाति का लड़का अपर कास्ट की महिला से या बेटिया से प्यार कर लेता है तो उसका उसकी हत्या की जाएगी सर हम यहाँ अनीश कन्होजिया की तरह? ये न्याय है क्या? फिर वो अपनी जीवन के साथी चुनने का फैसला ले सकता है? ये न्याय है? इसको व्यवस्था कहते हैं? मैं इस व्यवस्था खिलाफ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जाति का विनाश होना चाहिए। भाईचारा तब बनेगा जब हम जातियों से बटे हुए लोग जाति तोड़ के भाईचारा पैदा करेंगे। अगर कोई आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति, तैयार व्यक्ति भी अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता इस प्रदेश और देश में, तो ये अभी भी सामाजिक न्याय नहीं बना, अभी भी विश्वास भाईचारा नहीं बना है। ये अन्याय है और युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। गोरखपुर की जनता के नजरों में योगी दलितों के सबसे सम्मान देने वाले नेता माने जाते हैं। बनटांगिया है, मुसहरा गांव में आप चले जाएंगे जहाँ पे 100% दलित और पिछड़ा वर्ग है, तो वहाँ पे आप क्या करना चाहेंगे? वहाँ पे किसी नेता को लोग जाने नहीं देते हैं। तो अभी मैं वहाँ भी जाऊँगा, मैं अपनी बात, ये लोकतंत्र है सर, ऐसे तो ऐसा नहीं कि यहाँ ठाकुर उनके विरोध में नहीं है, कुछ लोग उनके खिलाफ भी लड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ ब्राह्मण और जो बनी और कायस्थ समाज, यहाँ तो नेता भी कोई थे। मैं आपको फिर बता दूं कि एक गलती की राधा मोहन जी ने, कि वो जब वो ये डूब गया था तो वो बोले, और जब प्रियंका भारती के न्याय की बात थी तो बोले, उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा पता है?
उनकी राजनीति खत्म कर दी है उन्होंने, उनको टिकट नहीं होने दिया, उनको मजबूर कर दिया। और मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा ही हरिशंकर जी के साथ हुआ है। कोरोना काल में अगर आपको इलाज बेहतर नहीं मिला तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। उस माँ ने अपना पति खोया, मैं उनको नमन करता हूँ, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो क्या अगर कोरोना काल में बेहतर इलाज मिलता तो क्या हरिशंकर जी आज हमारे बीच नहीं होते? तो मैं हरिनारायण जी, क्या नाम है उनका, उपेंद्र जी, तो इतने लोगों की हत्या की है ना कि मैं नाम ही भूल जा रहा हूँ, लेकिन अगर वो आज हमारे बीच होते तो मैं उनको से भी आशीर्वाद लेता। ये लड़ाई न्याय की है और मैं लड़ने वाला, क्योंकि मैं लड़ा हूँ पिछले 5 साल। फिर बता रहा हूँ, ये जो नेता जिनकी बात आप कर रहे हैं ना, आप कह रहे थे सीट नहीं दी, आप कह रहे थे कि उनके साथ कैसे संबंध है, आपने 5 साल में देखे किसी गरीब की मदद के लिए सड़क पर खड़े होते हुए, या बस इनको वोट ही चाहिए? तो जनता ये तय करेगी उनको कैसा नेता चाहिए। और मैं तो बेटा हूँ, मैं तो लड़ने आया हूँ, नौजवान हूँ, मैं बंटवारे की राजनीति नहीं करता, मैं तो भाईचारे की राजनीति करता हूँ। और मैं स्वागत देखिए, मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी क्या करेंगे ये उनका निर्णय है, ना मैं उनकी पार्टी में हूँ, ना उनकी पार्टी का नेता हूँ, ना मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इमरान मसूद से अभी काफी नजदीकियां हैं, इस पर आप कुछ बोल रहे हैं? मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे जिले के हैं तो मेरी नजदीकियां हैं, मेरे जिले का हर व्यक्ति, अब मैं गोरखपुर में हूँ तो क्या गोरखपुर के व्यक्ति से मेरा प्यार नहीं है? तो राधा मोहन जी से तो मैं मिला भी नहीं, उनके लिए क्यों कह रहा हूँ कि उस ऐसे महत्वपूर्ण नेता से? नहीं, मेरी बात यहाँ की जनता से हो रही है। और मैं समझ रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि तानाशाही अहंकारी नेता को जवाब मिलना चाहिए, जनता देगी। तो अभी तो लड़ाई शुरू हुई है और उनके भाषण जो है ना वो बौखलाहट के भी नतीजे होंगे, आप देखिएगा। अभी कल कह रहे थे, मैं तो कभी मैंने किसी मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं सुना 80-20 और मैं शिमला बना दूंगा गर्मी में। अब बताइए, आप कोई गुंडे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं आप? मुख्यमंत्री हैं, कितना मजबूत है संगठन ये, तो गर्मी की राहत की बात कर रहे थे किसको, ये वो पत्रकारों के लिए भी करते हैं कभी कभी, प्रदेश के लोगों को गर्मी की राहत देंगे। एक सवाल ये था कि मैं समझता हूँ कि वो प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जिसने प्रकृति को चैलेंज किया, प्रकृति ने उसको बताया कि प्रकृति है। एक सवाल मैं समझ रहा हूँ कि जो सरकार बनने वाली होगी भाजपा के अगेंस्ट, उसी को समर्थन करेंगे। और ऐसा भी होता है हमारा मोर्चा इतना मजबूत हो कि हमें किसी को समर्थन करना पड़ जाए, आप नकार क्यों रहे नौजवान व्यक्ति? नहीं, हम नकार नहीं, हम सवाल क्या आप युवा विरोधी हैं? आप तो खुद युवा हैं, जो युवा लड़ सकता है चुनाव वो युवा जीत नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो नौजवान लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जाएंगे बीजेपी को रोकने के लिए और प्रयास करेंगे कि ऐसी सरकार बने जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो। रणनीति यही है कि यहाँ की जनता उनके विरोध में, और हमारे पास संगठन है, उस संगठन के जरिए जो लोग विरोध में हैं उनको और तैयार करना है कि वो अंतिम, हाँ, मगर संगठन मजबूत है। यहाँ मैं आया था ना अनीश कलेजा की हत्या के मामले में, यहाँ हजार लोग तैयार खड़े थे, वो संगठन है, मजबूत संगठन है, बूथ पे संगठन है, आज मीटिंग भी है। गोरखपुर आपके लिए फायदेमंद। आपने ये एक और चीज कही मुझसे ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या करेंगे, तो आप कह चुके हैं पहले। अभी मैंने कहा था